Ladies and gentlemen, module one fifty three, understanding the essence of corporate entrepreneurship. Let's understand what is the essence of corporate entrepreneurship. Over the half of fortune, five hundred were created during the recession and the bear market. History shows us that the entrepreneurship is a wellspring of the economic growth, social renewal, and person development. And the new entrepreneurial ventures are the way to the blaster. फ्लैगिंग इकोनॉमी। देखिए एग्जाम्पल से पहले मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज आप देख रहे हैं और मैं एक जमाने पहले कहता था कि आ, किसी भी नाम के ऊपर जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर दो मुल्क थे जर्मनी और फ्रांस आपस में एक किलोमीटर के लिए एक लाख फौजी मारा गया लोगों ने एक दूसरे को ज़ाया किया लेकिन इतनी बुरी तरीके से लड़ने वाली कौमें आपस में एक हो गई इकोनॉमी अब इकोनॉमिक ब्लॉक बनेगा साउथ ईस्ट एशिया का इकोनॉमिक ब्लॉक बनेगा और उसमें आप देखेंगे कि चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया जैसी कौमें हों वो भी इकॉनॉमी की बेस के ऊपर उनको अंडरस्टैंडिंग मिलाना पड़ेगा उनको वाटर मैनेज करना पड़ेगा उनको रिसोर्स मैनेज करने पड़ेंगे अदरवाइज़ दोनों मुल्कों की कौमों को के अंदर जो है वो रिसोर्स लैक ऑफ रिसोर्स वाटर रिसोर्स मैनेजेरियल रिसोर्स चीज़ों के डिस्प्यूट्स जो हैं वो मीशत को ख़राब करेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक्स बनेंगे साउथ ईस्ट एशियन ब्लॉक्स बनेंगे उसमें कौन लीड करेगा क्या लीड करेगा लेकिन मैंने आपको बताया कि ब्लास्टर ऑफ फ्लैगिंग इकॉनमी इकॉनमी इज मस्ट जितने करीब के ममालिक से आपकी जो है वो ट्रेड्स हों उतनी मुनासिब है आपकी जो है वो आपके रिसोर्सेज आपके पास हैं जैसे करीबी मुल्कों के पास होते हैं तो अगर आपके पास कोई तकरीबन कई हज़ार मील से आ रही है चीज़ और एक चीज़ आ रही है चंद किलोमीटर से तो विच इज़ द बेटर रिसोर्स तो आपको लॉजिस्टिक सप्लाई चेन बैक, बैक, बैक एंड सप्लाई चें की बेहतर करनी पड़ेंगी सो so, अब यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पूरा क्लमेटी चेंज हो जाएगा इकोनॉमी की बेस के ऊपर रिश्ते चेंज हो जाते हैं लड़ाइयाँ चेंज हो जाती हैं तब्दीलियाँ आ जाती हैं ब्लॉक्स बन जाते हैं और बाजूका करेंसी से एक हो जाते है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यूरोप के अंदर ऐसे जो आपस में कभी एक के साथ हो ही नहीं सकते थे मुसलसल जंगों में रहे जंगें खत्म हो गई यूरोपियन यूनियन हो गई यूरो एक करेंसी बन गई एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीन गैजेट प्रोडक्शन द चैलेंज इज टू रिड्यूस द बिलियन ऑफ डिवाइस एंड रिड्यूस ई वेस्ट एंड फाइट क्लाइमेट चेंज कभी आपने सुना होगा अभी जब डिजिटाइजेशन होगी तो डिजिटाइजेशन के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे अब रिबोटिक इंजीनियरिंग शुरू होगी तो रिबोटिक्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे और अभी आप सोचते थे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्स वेस्टेज का नाम सुनते थे लेकिन अब क्या होगा अब ई वेस्टेज शुरू हो जाएंगे आपकी ई वेस्टेज क्या है कि मेगाबाइट्स कितनी हो गए कितनी टेराबाइट वेस्ट हो रहे हैं कहाँ से लें कितने में लें भाई आपने फ्ला की भी ऐप है फ्लां की भी ऐप है फ्ला की भी ऐप है हर चीज स्पेस में आपके अंदर कहीं ना कहीं आपकी फिलअप हो रही होगी और ई e वेस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा आप इस दुनिया के लिए तैयार हो अब आप अपने आप को डिजिटाइजेशन के लिए तैयार करें अब आप आपको पता होना चाहिए कि आपने डिजिटाइज आपने जो पूरा का पूरा डाटा बेस कैसे बनाना है डाटा साइंस कैसे है डाटा मैनेजमेंट कैसे करनी है डाटा इंजीनियरिंग कैसे करनी है इस फील्ड के अंदर अपने आप को एक्सेल करें क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट है रिड्यूसी वेस्ट का एंड देन इज द है ऐप एप्पल इज बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट फैक्ट्री पावर्ड ओनली बाई रीन्यूएबल एनर्जी उन्होंने कहा जी एनर्जी के पावर सेक्टर से मैंने एक बड़े पाकिस्तानी किस्म के जेफ बेजॉस से मुलाकात हुई पिछले दिनों में एन आई थिंक के ना उनके पास रिसोर्स थे ना उनके सोलर पावर थे ना जनरेटर्स काम करते थे लेकिन वो जेफ बेजॉस थे और वो बहुत बड़ा डाटा साइंस थी लेकिन वो मैंने कभी देखी नहीं बिलियन ऑफ डॉलर्स की चीज़ें आई वो तो कभी आई नहीं इसी तरीके से अगर जब चलेगा तो काम नहीं होगा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर प्रॉपर प्रोसेस होता है आपकी सोलर एनर्जी की भी कंडक्शन होती है और उसके साथ आपकी जो है वो हाइड्रो के साथ उसको इंडक्ट करना पड़ता है देन जनरेट्स जनरेटर्स को कैसे लेना है डाटा साइंस अगर डेवलप करनी है तो क्या होगा मिलियन ऑफ डॉलर कहाँ खर्च करने हैं कैसे होगा फिजिबिलिटी क्या होगी लेकिन उसके लिए कैसे डेवलप किए ये एप्पल से एग्जाम्पल हाफ ऑफ द मोबाइल फोन मार्केट इज नाउ फ्री फॉर द वर्स्ट हैजर्ड्स केमिकल्स आर फ्रॉम द जीरो इन 2006 द सेक्टर मस्ट शिफ्ट टू प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट दैट हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड आर इजीली अपग्रेडेड एंड रिपेयर यहां से आपको आइडिया हो गया कि यहां पे जो अगले आने वाले वक्त की उसकी क्लमिटी डिफरेंट होने वाली है उसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगे अच्छा आप इधर से ऑनलाइन ही मेडिकल साइंस uh, के अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं आपने इलाज करवा रहे हैं ऑनलाइन इलाज करवा रहे हैं। वो हकीम कैसे इ हो सकता है जो आपकी नब्स देखता था और वो डॉक्टर कैसे इलेवेंट हो सकता है जो आपको यहाँ से देखता था क्या ऑनलाइन इलाज हुआ करेंगे कुछ चीज़ें बिल्कुल माकूफुल फितरत हुआ करती हैं इसलिए मैंने आपको कहा कि ये हॉन्टेड uh, लोग हो जाते हैं ट्राई नॉट टू बी वेरी हॉन्टेड बाई द टेक्नोलॉजी यूज द टेक्नोलॉजी नॉट बींग यूज बाय टेक्नोलॉजी यूज द टेक्नोलॉजी नॉट बींग यूज बाय टेक्नोलॉजी नॉट बींग द पर्पट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन इनोवेशन हमेशा ज़िंदा रहेगी इंसानी दिमाग तख्लीक में रहेगा और आपका वज वजदान आपकी कुत आपकी अक् और अकल जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शानदार तख्लीकों में से तखलीक है और अल्लाह ने अकल को नूर करार दिया है थैंक यू वेरी मच